जब आप 21 साल के थे तो आप क्या कर रहे थे, या आपके आसपास अगर कोई अभी 21 साल का है तो वो क्या कर रहा होगा? ऑब्वियसली वो अपने हायर एजुकेशन के बारे में सोच रहा होगा और फिर उसके बाद वो जॉब के बारे में सोचेगा। लेकिन 21 साल की उम्र में ही जयपुर राजस्थान के मयंक प्रताप सिंह इंडिया के सबसे यंगेस्ट जज बन गए हैं। जी हाँ गाइस, मयंक प्रताप सिंह ने अपनी LLB के जस्ट बाद राजस्थान का RJS यानी कि राजस्थान जुडिशियल सर्विस एग्जाम दिया और उसे पहले ही अटेम्प्ट में बिना कोचिंग के सहारे निकाल दिया। गाइस, अगर अगली बार आपसे कोई पूछे कि इंडिया का यंगेस्ट जज कौन है तो नाम याद रखिएगा मयंक प्रताप सिंह। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते अगली वीडियो में। गाइस, अगर पूरी दुनिया में कहीं अच्छा काम हो रहा हो और स्पेशली गरीब लोगों के लिए भले का काम हो रहा हो तो उसे शेयर करना तो बनता है। कुछ ऐसा ही काम हो रहा है जर्मनी में। वहां की सरकार ने वहां के पब्लिक पार्कों में स्पेशली बेघर लोगों के लिए स्लीपिंग पोड्स लगवाए हैं जिन्हें वो लोग अल्मर नेस्ट के नाम से पुकारते हैं। इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात यह है कि छोटे छोटे से ये स्लीपिंग पोड्स बेसिकली लकड़ी और स्टील के बने और उनके ऊपर सोलर पैनल लगे हुए हैं जो कि दिन में चार्ज होते हैं और रात में रोशनी देते हैं। इसके अलावा मजे की बात यह है कि उन छोटे छोटे से स्लीपिंग पोड्स में वाईफाई की सुविधा भी है। गाइस, क्या आपको भी लगता है कि इंडिया में भी कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट लाया जाना चाहिए ताकि यहाँ के बेघर लोगों को थोड़ी सी सुविधा मिल सके? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।